जैसे कि चौपाई है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय रा के कौशल को राजा। ये चौपाई बहुत ही सुंदर चौपाई है और इस चौपाई में जब आपकी निकलती है तो इसका मतलब है कि प्रश्न आपका उत्तम है और कार्य आपका सिद्ध होगा। ऐसी ही दूसरी चौपाई है, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। ये सीता जी जब गौरी की पूजा करने के लिए जाती है विवाह से पहले, तो उस समय की चौपाई है और ये माता का आशीर्वाद है कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी, कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो उत्तम है, कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा और ऐसे कार्य में भलाई होती है। तो इस तरीके से उसमें और भी चौपाई दी हुई है जिन चौपाइयों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। यदि आपकी चौपाई निकलती है प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय रा के कौशल को राजा, बहुत ही अच्छी चौपाई है। जब हनुमान जी श्रीलंका में प्रवेश करते हैं और सीता जी की खोज के लिए जाते हैं तो उस समय की ये चौपाई है और इसका अर्थ ये है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण करके कार्य प्रारंभ कीजिए तो निश्चित तौर पर आपको कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। जिस तरीके से हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त हुई थी उसी तरीके से आप भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी चौपाई आती है उघरे अंत न होए निवाहो, काल नेम जिन रावण राहो, तो इसका अर्थ है कि इस कार्य में भलाई नहीं होगी। यदि आप इस कार्य को करेंगे तो आपको अंत में पछताना पड़ेगा और कार्य की जो सिद्धि है वो कार्य हो सकता है लेकिन आपको उस कार्य में भलाई नहीं मिलेगी, क्योंकि यह उस समय की चौपाई है जब रावण जो है वो साधु का वेश रखकर सीता जी का हरण करता है। तो सीता जी ने तो उसको एक साधु समझकर ही उसको दान दिया था और उसको दक्षिणा दी थी, लेकिन वो एक छद्म वेश में वहां पर आया था, इसलिए इस कार्य के होने में भलाई नहीं मिलेगी। बस सुजन कुसंगति पर ही हणि मणि सम निज गुण अनुसरे। कभी कभी इंसान का भाग्य साथ नहीं देता, वो बहुत अच्छा इंसान होता है लेकिन वह भाग्यवश ऐसे दुष्ट लोगों के संगति में पड़ जाता है कि वो चाह कर भी उनसे निकल नहीं पाता। अगर आपकी ये चौपाई निकलती है तो आपको प्रयत्न ये करना है कि जिन लोगों के साथ अपने कार्य को आरंभ करने जा रहे हैं उन लोगों पर विशेष निगाह रखें। उन लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कार्य में भलाई नहीं करेंगे या आपका साथ बीच में छोड़ देंगे, तो उसका अर्थ ये निकलता है कि दुष्टजनों का साथ छोड़ने कार्य होने में संदेह है। तो इस तरीके से आपने अपने कार्य को करने से पहले इस पर ध्यान दें। आपकी चौपाई आती है मुद मंगल मैं संत समाधु, जो जिम जंगम तीर्थ राजू। यहाँ पर सत्संग का महत्व बताया गया है कि कहीं पर भी जहाँ पर सत्संग होता है तीर्थ वहीं पर हो जाते हैं। तो ये प्रश्न आपका उत्तम है और आपका कार्य सिद्ध है। सत्संग की महत्ता है, जहाँ पर सत्संग हो तीर्थ वहीं पर स्वयं बन जाते हैं, तो इसी बात को इसमें बताया गया है, तो आपका कार्य जो है सिद्ध। यदि आपकी चौपाई होती है गरल सुधा रिप करिए मिताई, गौपद सिंधु अनल सकलाई, बहुत सुंदर चौपाई है कि यदि भगवान की कृपा होती है तो एक सिंधु जो है वो एक गाय के खुर में भी समा सकता है। बहुत ही अच्छी भगवान की कृपा होने पर हम सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, चाहे उस कार्य को आपको लगे कि कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, संभावना है क्योंकि आपके पास साधन कम है, लेकिन आप सच मानिए अगर ये चौपाई निकलती है तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध। और यदि आपकी चौपाई निकलती है वर्ण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धर काहे न धीरा, तो ये रण की लंका कांड की चौपाई है जिस समय रावण घायल अवस्था में पड़ा होता है, तो उस समय की ये चौपाई है जब रण में कोई भी अपने आप को धैर्य नहीं धारण कर पाता क्योंकि वहां का दृश्य इतना भयावह होता है, इतना बीभत्स होता है। तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है वो आपको उचित दिशा में ले जाने वाला नहीं है, आपका कार्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो आप इस कार्य को करने से पहले अवश्य सोचिए। और यदि आपकी चौपाई निकलती है सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लसन सुन भय सुखारे, आप समझ लीजिए कि आपका कार्य अवश्य होगा। यह चौपाई उस समय की है जब राम लक्ष्मण जो हैं
वो पुष्प वाटिका में जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए। उस समय उनको ऋषि विश्वामित्र जो है वो आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही खूबसूरत चौपाई है, इसमें सफल मनोरथ होने की कामना की गई है। तो निश्चित तौर पर यदि आपका प्रश्न, आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वो इस चौपाई निकलती है, तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें स्वयं ऋषि मुनि का आशीर्वाद है। सफल मनोरथ हो तो आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। वही जो राम रच राखा होकर तर्क बढ़ावो सखा। इस चौपाई में यह बताया गया है कि हमें सब कार्य को हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, हमें उन कार्यों को भगवान के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह उस समय की चौपाई है जहाँ पर मनुष्य प्रयत्न तो बहुत करता है लेकिन उस प्रयत्नों में वो सफल नहीं हो पाता। तो ऐसे कार्य में हमें अपने जो कार्य हैं उनको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और तभी हम आगे बढ़ें, क्योंकि इन कार्यों के होने में संदेह की संभावना रहती है।